तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज देख रहे हैं मेरा चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे क्लॉ टेक्निक, यानी कि दो फिंगर से ज़्यादा से आप खेल सकते हैं, तीन फिंगर से खेल सकते हैं, चार फिंगर से खेल सकते हैं। मैं खुद चार फिंगर से खेलता हूँ, तो उस पर कुछ टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको कि कैसे आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, देखोगे तो अच्छा है, देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। और चालू करने से मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको अपने फ़ोन के बारे में देखना है कि क्या उसमें मल्टी टच है। तो कैसे देखना है कि आपको गूगल पे जाके अपने फ़ोन का नेम टाइप करके किसी भी वेबसाइट के स्पेसिफिकेशंस के कॉलम में जाके चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मल्टी टच है या नहीं। क्योंकि कई फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनमें गेम चलती है लेकिन उनमें मल्टी टच नहीं होता है, तो उसमें ये क्लॉ टेक्निक काम नहीं आएगी। तो वो एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद अपना हुड सेट करिए। तो हुड कैसे सेट करना है आपको, जो ये है ये कैसे सेट करना है आपको, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जैसे मैंने यहाँ पे जंप का रखा है और यहाँ पे शूट का है ही मेरा। तो ऐसा क्यों रखा है मैंने, क्योंकि अगर आप जंप शूट करना चाहते हैं जैसे प्रो प्लेयर्स करते हैं कूद कूद के मारने का, वैसा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे जंप का रखते हैं शूट बटन के बगल में, तो थंब से आपको टाइम लगता है कूद के फिर मारने का। तो उससे अच्छा है कि आप ऊपर रखिए अपने जो फर्स्ट फिंगर है थंब के बगल में, जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, उससे आपको पकड़ना है इसको और ऐसे प्रेस करके ऐसे ऐसे आपको यूज़ करना है। तो ये इसी तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप साइमल्टेनियसली एक साथ जंप भी कर रहे हैं, एक साथ शूट भी कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रखते, जैसे यहाँ से अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे जंप वाला रखिए और ऐसे अपने एक फिंगर से ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे साथ में दबाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो रखना है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड ग्लू वॉल वगैरह का रखा है, कुछ लोग रखते हैं यहाँ पे सेकेंड शूट का रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं मेडकिट रखते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चीज़ वहाँ पे रखना है, कौन सी चीज़ आपको एक्सेस करनी है सबसे फटाफट। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे ग्लू वॉल रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो फटाफट आप एक्सेस करना चाहते हैं, कोई आपको शूट कर रहा है तो ग्लू वॉल आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी करना ही है पहले से। और फिर उसके बाद एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने, कोई भी शूट कर रहा है, फटाफट अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर से दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक की जो ये आप यूज़ करते हैं, कई लोगों को पहले से पता नहीं होता है, तो अगर आप नया यूज़ करने जाएंगे तो लॉस सबसे बड़ा इसका ये है कि आप खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। क्योंकि नई टेक्निक, कुछ भी नया आप सीखेंगे तो टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सबसे पहले तो देखिए, कुछ भी करने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बटन कहाँ पे रखना है ना। वो डिसाइड करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उस पर, और प्रैक्टिस क्लासिक मोड में कीजिए। रैंक मोड में अपना रैंक कम करके कोई फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का, आप क्लासिक मोड में प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका जो भी अभी हुड है, जो आपका अभी चल रहा है, अगर आपको उसकी अच्छे से आदत है, अगर आप उसमें जंप शूट अच्छे से कर लेते हैं तो आपको क्लॉ यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लॉ यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ दो थंब से खेलेंगे और क्लॉ से खेलेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके गेम प्ले में, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्लॉ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने थोड़ा सा टाइम लगाइए कि देखिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गेम खेल के समझिए और उसके हिसाब से जो भी। मेरा एडवाइस ये है कि आप यहाँ पे जंप वाला रखें अपने राइट फिंगर पे और लेफ्ट फिंगर पे ये ग्लू वॉल और ग्रेनेड वाला रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप फिंगर से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो फिंगर से फटाफट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि जो ट्रिगर्स आते हैं, जिसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो में, तो ये जो ट्रिगर्स आते हैं ना, ये आप खरीद लीजिए, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते। इससे क्या होता है कि आपको स्क्रीन पे टच नहीं करना पड़ता, ये प्ले स्टेशन के कंट्रोल जैसे ही आप ऐसे ऊपर दबा के मार सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन, पहले दिन अगर आप ये सीख रहे हैं, आपने नया क्लॉ टेक्निक ट्राई किया, तो फोर्थ फिंगर डालना इसमें ज़रूरी नहीं है। इसको पहले जहाँ पे था अपना ग्लू वॉल वाला वहीं पे रहने दीजिए, सिर्फ जंप वाला ऐड कीजिए। जंप वाला ऐड करके ट्राई कीजिए कि आपको कैसे वो सूट हो रहा है कि नहीं, आप मार पा रहे कि नहीं उससे। और अगर आपको सूट होता है तो आप यहाँ पे फोर्थ वाला भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और करना क्या है कि क्लासिक ही खेलना है, जब आप ये नया सेट करेंगे तो क्लासिक ही खेलना है। रैंक खेलेंगे, आपका रैंक लूज होगा क्योंकि एकदम नया सेटअप होगा आपके लिए। और इसका
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको ये काफ़ी मतलब इफेक्ट देगा इस पे, परफॉर्मेंस पे आपके परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप क्लासिक में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2-3 दिन में आप एकदम अच्छे से खेल पाएंगे क्लॉ टेक्निक पे, और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो एक बार यूज़ करिए, चेक कीजिए आपको जम रहा है कि नहीं, क्योंकि ये टेक्निक जितने भी प्रो प्लेयर है वो तीसरी उंगली लगाते ही है गेम में, पर मैं यहाँ पे 4 उंगलियों से खेलता हूँ। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप 4 उंगलियों से एक बार खेल के ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये जो नीचे छोटे छोटे बटन्स है, जैसे ये वाला है, जो ये मेरे ख्याल से वो मोड आया था ग्रेनेड लॉन्चर वाला, उसके लिए था, तो ये कोई काम का नहीं, तो इसको आप थोड़ा साइड में ही रहने देंगे तो अच्छा है। ये सारे जो नीचे के बटन्स है जिनका आपको कोई काम नहीं है, जैसे रिलोड वाला, तो रिलोड यहाँ से ही हो जाता है गन वाले पे से, या फिर ये है, तो ये सब जो है रिलोड स्विच और ये एक्टिव स्किल वाले हैं, तो ये आपको कौन सा कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप करें तो बेटर रहेगा, है ना। तो एक बार ट्राई करके देखो, यूज़ करके मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद है। लेफ्ट शूट वाला बटन का भी थोड़ा बहुत डाउट होता है लोगों को, तो लेफ्ट शूट वाला बटन मेरे ख्याल से रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये काम आता है जूम इन और जूम आउट करके जब आप मारते तो ये काफ़ी काम आता है, तो लेफ्ट शूट वाला बटन रखिए। और इस बार कोई गेम प्ले वाला वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसमें, लेकिन अगली बार कल या परसों में गेम प्ले का भी एक वीडियो डाल दूंगा क्लॉ टेक्निक से ही, तो देखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है इसको, है ना। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई नया बंदा अगर देख रहा है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।